आप सभी नाजरीन का जेके टाइम्स नो में खैर मकदम करते हैं और आपको बता दें कि मंशात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए एक अहम प्रोग्राम का इनकार आज गोरमीट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में किया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार मंडी इशफाक हुसैन ने शिरकत की, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल अंजू रेशी भी मौजूद थी। प्रोग्राम का मकसद तुलबा में मंशात के खतरात और उनके नुकसानात के बारे में आगाही पैदा करना था। इशफाक हुसैन ने अपने खिताब में कहा, मंशात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के लिए एक संगीन खतरा है। हमें मिलकर इस मसले का सामना करना होगा और अपनी आने वाली नस्लों को इस लानत से बचाना होगा। इस प्रोग्राम के दौरान प्रिंसिपल अंजू रेशी ने भी तुलबा से खिताब करते हुए कहा, तालीम के साथ साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना भी जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में मुसबत सरगर्मियों को फरोग देना चाहिए ताकि हम मंशा जैसे मसाइल से दूर रह सकें। ये प्रोग्राम इस बात की अकासी करता है कि तालीमी इदारे न सिर्फ इल्म की रोशनी फैलाने का जरिया है, बल्कि वो नौजवानों की सेहत और फलाह बहबूदी के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मजीद मुनक्कद किए जाएंगे ताकि माशराती मसाइल पर तवज्जो दी जा सके और नौजवानों को सही राह पर गामजन किया जा सके। मजीद तफसीलात के लिए पेश है जेके टाइम्स नो की ये रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं जो एक इतना फैटल है कि इसे हमारा यूथ तबाह हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी कि होने जा रहा है, क्योंकि ये जो इवल है, सोशल इवल, ये हमारे घर घर पहुंच चुकी है, गांव गांव पहुंच चुकी है। करता है वो बड़ा वीक करेक्टर हो जाता है। देखा होगा आपने अक्सर जो लोग होंगे उनको सब अवॉइड करते हैं किसी शादी में या किसी प्रोग्राम में। हम नहीं उनसे, हम उनको अवॉइड